अस्सलाम वालेकुम। तभी फजर की नमाज़ हो गई है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह तमाम को अच्छा, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं, और मेरी दुआ है कि सब कि अल्लाह ताला हिफाजत करें। एक्चुअली अभी अभी उठी हूँ ना, तो मुझे मेरा माइंड पूरा ब्लैंक हो गया कि मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो अभी चलती हूँ, अभी मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, तो मैंने आज डिसाइड किया है आलू भाजी और पूरी बनाते हैं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। मुझे मॉर्निंग पूरी खाना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं मेरे लिए इंस्टेंट डोसा बनाने का ट्राई करती हूँ, तो विल सी। तो अभी चलो चलते हैं किचन में और तैयारी करते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं आपसे। ये आफ्टरनून का लिए बनाया है, साध्या ने बनाया है कर्ड राइस, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में कर्ड राइस खाना बहुत ठीक रहता है हेल्थ वाइज, तो इस वजह से अभी तो हमने पूरा खा लिया है, तो मतलब सब लोगों ने ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट। इसके साथ है आम का अचार, और ये है क्या है बोलते हैं भिंडी का सब्ज़ी। तो मॉर्निंग का तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई पूरी, और ये तभी का दिखा दे रही हूँ। तो यस, अभी 3 आम बचे हैं, फिर से हम आम लेके आए थे 5 केजी, तो 5 केजी में अभी 3 बचा है, तो मैं चेक कर रही हूँ ये कि पका है कि नहीं। बाहर से देखने के लिए येलो येलो इस कलर है, पका हुआ जैसा लग रहा है, अगर टच करेंगे तो ऐसा नहीं लगता है, तो वही मैं देख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो मरियम को, मरियम एकदम फ्रेश हो गई है, तो अभी इसीलिए उसका मूड है खेलने का, तो अभी खेल रही है। मरियम सलाम बोलो, सलाम बोलो मेरा बच्चा, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छोटा छोटा बेटा ये, प्याला प्याला बेटा ये, नन्ना पला लाज कुमाला। ओलो लो 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 मरियम, टाटा 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 मरियम मेरा बच्चा। मरियम मैंगो हो ना, मैंगो हो ना, हाँ यहाँ देखो, यहाँ देखो मैंगो हो ना, मैंगो हो ना। अभी ना दोपहर के 2 बज रहे हैं, देखो मौसम बहुत ठंडा है। जब भी हम कर्ड राइस बनाते हैं ना, उस टाइम पे मौसम एकदम ठंडा हो जाता है। देखो कितना ठंडा हो गया माशाल्लाह, ऐसा लग रहा है कि अल्लाह की रहमत बरस गई है, स्पेशली इन चेन्नई। ये देखो ये मेरे रूम का क्या हाल किया हुआ है, यहाँ पे भी गंदगी है, ये देखो टेबल पे गंदगी, और यहाँ कोने कोने में गंदगी होगी देखो, और यहाँ पे भी गंदगी है। ये ब्लर ब्लर क्यों आ रहा है? यहाँ पे देखो बिस्किट खाते हैं यहीं पे फेंक के चले जाते हैं, किसी को हाइजीन का ये भी नहीं है सेंस भी। ये देखो इधर भी दे, खाओ इधर ही फेंक के जाओ, मतलब अकेले मैं ही हूँ जिसको बाकी सफाई पसंद है इस घर में, बाकी सबको तो कूड़ रखना पसंद है, ढेरा जमा के रख लो। अरे ये देखो रूम का हॉल, अयो सॉरी क्या कहते हाल, हाल किस तरह का हाल, बेहाल हो गए रूम का, वो वाला हाल बोल रही हूँ, हॉल नहीं कैसा बिखरा बिखरा पड़ा है, गंदगी देखो, अस्तगफिरुल्लाह। और नीचे भी देख लो, नीचे कुछ नहीं बस इतना ही, चलो क्लीन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मरियम को देखो निन्नी भी नहीं कर रहा है और सता रहा है, देखो देखो कैसे सता रहा है, गंदा बच्चा होके बैठा है पूरा। हाँ गंदा बच्चा होके बैठा है, एकदम गंदा बच्चे के जैसा। कितना टाइम से सुलाने का कोशिश कर रहे हो, सो ही नहीं रहा है, अभी क्या देख रहे हो ऊं करके, हमेशा गोदी में रखना है इसको, अच्छा बच्चा बनो, क्यों इतना गंदा बच्चा बन रहा हो?
नो, अच्छा बच्चा है तू, ये तो अच्छा बच्चा है। ओ, ये प्यारा बच्चा है, हम लोग ही गंदे हैं, इसको गोदी में नहीं रखते हैं। ना मेरा बच्चा, ना 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 ना, चलो मैं इसको सुला देती हूँ, ठीक है? चलो 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 चलो। अस्सलाम वालेकुम। तो हाँ, मैंने क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर ली है, तो वही आज ये बता रही थी कि मैं आज उतना खाने का मन नहीं है, आज थोड़ा बहुत ये हो रहा है, थोड़ा बहुत ना दुख हो रहा है। उस मेरे एक मामा है, उनका बेटी का, सॉरी, मामा की बेटी का कॉल आया था, मतलब मेरी कजिन सिस्टर, उसका कॉल आके वो बहुत रो रही थी। मतलब ये हो गया ना कि वो प्री मेच्योर्ड बेबी है, 7 मंथ में बॉर्न हुआ है या फिर 8 मंथ में, मुझे इतने क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं वो प्री मेच्योर्ड है इतना मालूम है मुझे, प्री मेच्योर्ड बेबी है ना, तो अभी वो 2.5 मंथ का है, तो आज उसको हॉस्पिटल लेके गए, मतलब कल ही हॉस्पिटल लेके गए, कल से सीरियस है। उसका आरबीसी ना, वो आरबीसीस जो होते हैं ना, वो कम हो गया है, पता है ना, प्री मेच्योर में ये आ जाता है कि उनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होती है, उनका इम्यून सिस्टम ही बहुत कमज़ोर होता है, तो ऊपर से ये निमोनिया आने के उनके 70-80% चांसेस होते ही होते हैं, तो इस वजह से ऐसा हुआ है बोल के रो रही थी। बस वो बोल रही थी कि कैसे भी दुआ करो, कुछ भी करो, दुआ करो अल्लाह के पास कि उसका बच्चा जो है ठीक हो जाए बोल के, तो अल्लाह करे कि उन उसकी औलाद की जो है उम्र दराज रखे, उस बच्चे को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, बस मैं यही दुआ कर सकती हूँ। मेरा जब से मिसकैरेज हुआ है ना, तब से मैं कभी भी नहीं चाहती हूँ कि कोई भी माँ के साथ ऐसा हादसा हो। अल्लाह सब माओं को ना उनकी औलाद के सामने अच्छा रखे, औलाद उनके सामने औलाद को भी अच्छा रखे, बस मेरी यही दुआ है, कोई भी माँ ना अपने बच्चे को ना खोए, बस वही। थोड़ा बहुत दुख हो गया था, एकदम माइंड पूरा डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो जाता है ऐसा सुनते हैं तो, अच्छा नहीं लगता है, मतलब क्या कर सकते हैं, सब अल्लाह के ताला के ही हाथ में होता है, बस मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि उसके बच्चे की बीमारी को जो भी है शिफा कर दे, अल्लाह ताला उसकी उम्र को दराज करे और उसको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जल्द से जल्द वो हॉस्पिटल से रिलीज होकर घर आ जाए, मेरी बस इतनी ही दुआ है। पता नहीं वो बेचारी कितना पहल कर रही होगी, मतलब कितना सिचुएशन से, उसके यहाँ तो अभी हार्ड सिचुएशन हो गया है, किस तरह से वो ये कर रही होगी, बोलना तो मुझे बोलने भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, एकदम से इतना ब्लैंक हो गया मेरा तो दिमाग ही सुन के। बस अल्लाह ना हर माँ की गोद को कभी सोनी ना करे, उसका जो भी है उसका बस अल्लाह सॉर्ट आउट कर दे, बस उसको अच्छा कर दे, बस मेरी यही दुआ है। तो हाँ, तो बस आज के लिए इतना ही, तो फिर ठीक है, मैं मिलती हूँ कल आपको। अस्सलाम वालेकुम। आप अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, हमारे लिए भी दुआ करें, मैं आपके सबके लिए दुआ करूँगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तमामों की सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, तमामों को राह रास्ते पर चलाए, नेक कामों में अल्लाह ताला हमें पहल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।